की किताब पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला ये करता है, ये हिदायत उन लोगों के लिए नहीं है जिनमें हिदायत हासिल करने की ख्वाहिशात और तलब नहीं है, बस वो भूखे और बेहरों की तरह महदूद रह जाते हैं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, इस सूरत में गैर पर ईमान लाने की नमाज कायम गई है और इसकी ये बताई गई है कि कुरान और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाया जाए और आखिरत को यकीन रखा जाए और अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से उस किताब में खर्च किया डराया गया और मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी दी गई। इस सूरत में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनको अपना खलीफा बनाने और इस सिलसिले में फरिश्तों को और आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का जिक्र भी फरमाया गया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान मौजूद ने सजदा करने से इनकार किया, जिसकी वजह से वह दरगाह हुआ। फिर उस लड़ाई ने आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को तरह तरह से देखना शुरू किया, यहाँ तक के आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम से नादा रिश्ता तौर पर चुप हो गई और जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो वो पूरे दूर पर गए तो उनकी आदम में मौजूदगी में उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फिर भी अल्लाह की रिजा अदा फरमाई और उनके बारह कबीलों के लिए बारह चश्मे पानी के मुआजिज़ाना तौर पर अदा किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी यहूद नहायत नाशुक्रे सरगर्द गुस्ताख व मुनाफिक साबित हुए और उनका नतीजा ये निकला कि वो अज़ाब में गिरफ्तार।